हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अपने फोन में न्यू जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करें। जो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको करने के लिए आपको अपने फोन का जीमेल एप्लीकेशन ओपन करना होगा और यहां पर आपको अपने जीमेल लोगो पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद में एड अनदर अकाउंट में जाना होगा। यदि गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे और वैसे यहाँ पर आपको गूगल पर सिलेक्ट करना होगा। गूगल सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और गाइस यहां पर आपको स्कैन और फिंगरप्रिंट और यूज पैटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहां पर आपको अपने फोन का जो लॉक पैटर्न है उसे डालने देना होगा, कंटिन्यू करना होगा और फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपने लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस पर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, जैसा कि मैं अपना फर्स्ट नेम शिवम डालता हूँ और यहाँ पर आपको लास्ट नेम सिंह डालना होगा, मतलब जो भी आपका हो। यहाँ पर फिर से आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट कर देने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने डे डाला है 5। मंथ में आपको जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए, मेरा जुलाई है तो मैं जुलाई सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको अपना साल सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसा कि मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, फीमेल मेल, डेट नॉट से कस्टम, जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर लेने के बाद में क्रिएट जीमेल एड्रेस का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर पहले आपको अपना पूरा नाम डालना होगा। ध्यान रखिएगा कि बिना इंटरफेस दिए हमको पूरा नाम डालना है और यहाँ पर आपको इसके आगे 2-4 अक्षर लिखने होंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना होगा। चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देने के बाद में आपके सामने थोड़ा प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डाल लेना होगा। चलिए मैं अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल लेता हूँ। मैंने अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल लिया है। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना होगा और यहाँ पर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करना होगा और यस आई एम इन पर क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी जो है वो बन जाएगी। और गाइस आपको फिर से नेक्स्ट करना होगा और फिर से गाइस आपको यहाँ पर बिल्कुल स्क्रॉल करना होगा और आई अगर पर क्लिक करना होगा। थोड़ा गाइस प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में आपकी न्यू जीमेल आईडी बन जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।